आपके सामने यहाँ पर सभी श्रोतागण बैठे हुए हैं। एक भजन में सुना जा रहा हूँ जिसमें राजस्थान के बोल भी हैं और कुछ हमारी जो एमपी की भाषा निमाड़ी भाषा भी है, उसमें मैं एक भजन प्रस्तुत करने जा रहा, जो भी गलती हो क्षमा करना।
गोकुल को छोड़ करके मथुरा चले गए हैं। उस वक्त सखियां उनके विरह में व्याकुल कह क्या रही हैं, सांवरे 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 गोकुल।
मले
सुमतई नमः सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तक धारिणी हंसवाहिनी समा भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यंगिदं कृपया च कस्मै व्याचचक्षै मुमुक्षवे योगिन्द्राय नमस्तस्मै काय ब्रह्मरूपिणै संसारपदृष्टं यो विष्णुरात्ममोचयत भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते देवेश नाथस्तं नो यतः प्रभु नाम संकीर्तनयस्य सर्वपापनाशनं प्राणमो दुःखं वसनं नमामि हरिं परम् त्वदीयं वस्तु गोविन्दं त्वदीयं वस्तु गोविन्द तोभ्यमेव समर्पये तेन त्वदग्न कमिले रतिं मे
तिवारी जी, तीन तिया नौ नहीं ग्यारह। हरि बोल। आए आरती उतारेंगे, भागवत कथा के प्रसंगों की ओर चले। समय ऐसे ही ज्यादा हो गया है, क्योंकि एक अनार और 370 बीमार, तो एक ही अनार क्या क्या करे विचार। आरती पावन पुराण की, धर्म भगति भी ज्ञान खान Thank you.
का उचित स्थान लें। महाराज श्री, मैं शेखावत बोल रहा हूँ। महाराज श्री, आपकी अनुमति से महाराज श्री आए तो उनका स्वागत करें। आवश्यक। हाँ जी, पूज्य जगदीश प्रसाद जी मिश्रा यहाँ पधारे हुए हैं और वो परिव्राजक के रूप में घूमते रहते हैं। मध्य प्रदेश अनूपपुर से आए हुए हैं यहाँ, तो आज उनका यहाँ कथा में आगमन हुआ है। तो राजेश जी प्रार्थना है कि वो उनका फूलहार और साल उड़ाकर उनका स्वागत करें। बजा दो। हेलो, इसमें कुछ नहीं है भाई आज। हेलो हेलो, सेम करके छोड़। उद्बोधन 2 मिनट के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, महाराज श्री से अनुरोध है 2 मिनट आप समय को देखते हुए है ना। ब्राह्मण प्रसादाम धरणी धरो हम। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीर्थजाम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपं वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। परम श्रद्धे हमारे स्वामी जी जो कथा व्यास हैं, उनकी हृदय से हम वंदना करते हुए व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय वैष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। परम श्रद्धेय मंच, हमारे इस भगवान भागवत कथा के प्रमुख आयोजक श्रद्धे शेखावत जी, सभी यहाँ पर उपस्थित श्रद्धेयजन, देवी स्वरूपा माताएं बहनें और देव स्वरूप सभी भाइयों, आप सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो कि भागवत कथा अमृत का पान कर रहे हैं। कथा को अमृत से भी बढ़कर कहा गया है, कथा का महत्व अमृत से बढ़कर भी से है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि सुखदेव जी को भी देवताओं ने लुभाया कि आप ये अमृत ले लीजिए और ये कथा पहले हमको सुना दीजिए, परीक्षित जी को नहीं। तो सुखदेव जी तो वीतराग मुनि हैं, उन्होंने कहा
को सुधा को कथा, कहाँ ये सुधा है आपकी और कहाँ कथा, यानी उसका कथा का महत्व जो है सुधा से भी बढ़कर के है। तो आप अपने देवताओं अपने ये अमृत अपने पास रखें, मैं तो भगवान की कथा का रसामृत जो है पान करूंगा और लोगों को भी इसका रसपान कराऊंगा। किम कांचन की क्या हाँ स्वामी जी, तो अभी आप सभी लोगों ने बड़ी तन्मयता पूर्वक भगवान की कथा स्वामी जी के मुखारविंद से सुनी होगी। समय कुछ ऐसा है, दशहरा दीपावली के बीच का समय है, उपस्थिति कुछ हमें कम दिखाई दे रही है, फिर भी जो भी हैं वे बड़े ही पुनीत आत्माएं हैं, बड़ी संस्कारी आत्माएं हैं और आप सभी को लाभ तो मिलेगा ही, आपके कथा सुनने के बाद से आपके परिवार को भी लाभ मिलेगा और आप जिससे भी मिलेंगे, क्योंकि अमृत जिसके पास भी जाएगा उसका कल्याण करेगा। तो ये आज कथा का स्वामी जी ये खष्टम दिवस है। हाँ खष्टम है रुकमणी स्वयं जी। हाँ बहुत अच्छी बात है। ये खष्टम दिवस के संबंध में थोड़ी सी बात आप लोगों को बता दूं, जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे छठवां ही दिन था और परीक्षित जी वो कथा सुन रहे थे, लेकिन उनका कथा सुनने में मन नहीं लग रहा था। सुखदेव मुनि वीतराग थे, उन्होंने उनकी मनः स्थिति को ताड़ लिया और सोचे कुछ अब विषयांतर किया जाए, नहीं तो इसका मन भगवान की ओर नहीं लगेगा। तो उन्होंने एक कथा के माध्यम से एक कथा सुनाई कि सुनो राजा, बहुत प्राचीन समय में एक राजा था और वह वन को गया शिकार खेलते खेलते, वह वन में भटक गया और रात अंधेरी हो गई। भटकने के डर से यहाँ वहाँ वो आश्रय ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वन में ही एक उसको झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी से एक टिमटिमाती हुई रोशनी आती दिखाई दी। सोचा चलूं यहाँ मैं आश्रय पालूं। वह राजा उस कुटी के पास पहुँचा और वहाँ से आवाज़ लगाई कि भाई कोई हो मुझे तो मुझे आश्रय दे दो। भीतर से ही आवाज़ आई कि भाई तुम कौन हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं राजा हूँ, भटक गया हूँ, रात भर का मैं आश्रय चाहता हूँ। तो बोले ठीक है भाई, मैं आश्रय तो दूंगा, लेकिन जितने भी लोग यहाँ आते हैं आश्रय मांगते हैं एक दिन के लिए, फिर जाने का नाम नहीं लेते, तो तुम भी तो ऐसा नहीं करोगे। बोले नहीं नहीं, मैं तुमको वचन देता हूँ कि मैं सुबह चला ही जाऊँगा। अंत में उसको उस राजा को आश्रय मिलता है, समय रुकता नहीं, समय आगे बढ़ता है, भोर हो जाती है। वह राजा बोलता है कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा, मैं नहीं जाऊँगा। तो बोला तुम तो मुझे वचन दिए थे, कैसे नहीं जाओगे, तुमको जाना पड़ेगा। बोले नहीं, मैं किसी हालत में यहाँ से नहीं जा सकता। इतने में ही इस कथा को सुनकर परीक्षित जी बोले, वह कैसा बेवकूफ राजा था कि जिसने वचन दे करके और ये मुकर गया और उस स्थान को छोड़ नहीं रहा। तब स्वामी जी परीक्षित जी बोलते हैं, सुखदेव जी परीक्षित से, वह और राजा कोई नहीं, वह राजा तुम ही हो और वह बेवकूफ राजा दूसरा नहीं तुम ही हो, क्योंकि वह कुटी नहीं है, यह तुम्हारा शरीर है और इस शरीर के अंदर तुम रहते हो और एक वक्त लेके आए हो, एक वादा लेके आए हो, उतने दिन तक तुमको रहना है और उसको तुम छोड़ने का नाम नहीं लेते हो। तुमको इस शरीर से बड़ा भारी मोह हो गया है, इस हाड़ मांस का शरीर, इसमें मांस मज्जा क्या क्या नहीं भरा है और कुछ समय के लिए ही ये मिला हुआ है और तुम वादा विमुख हो रहे हो। परीक्षित को ज्ञान हुआ, पुनः उन्होंने शरीर भाव को छोड़ करके भगवान पर ध्यान लगाया और कथा जो है आगे प्रारंभ हुई। तो ये जो कथा का अमृत आप लोग पान कर रहे हैं, तो
उसी प्रकार से देखिए मन है यहाँ वहाँ भागता है, तो उस मन को भगवान पर लगाएं, बहुत ही ध्यान पूर्वक ये कथा सुने, और जितने ही ध्यान से आप भगवान की कथा सुनेंगे उतना ही आपको उसका लाभ मिलेगा। ऐसी आशा अपेक्षा आप सभी से हम करते हैं। एक थोड़ी सी हम शुरुआत कर दें खष्टम अध्याय की, 2 मिनट का समय आपका और लेते हुए स्वामी जी से निवेदन है। तो न यस्य सख्यम पुरुषो वैत सख्यो सखा वसन संवत्स पुरे अस्मिन् गुणो यथा गुणिनौ व्यक्त दृष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि। तो इस शरीर में जीव और ईश्वर एक साथ परम मित्र की तरह रहते हैं, किंतु हे प्रभु यह जीव आपके सखा भाव को समझ नहीं पाता, क्योंकि जिस प्रकार गुण अपने स्रोत को, दृष्टि आंख को, गंध नाक को और रस जीभ को नहीं समझ पाते, उसी प्रकार आपकी चेतना के अंश से चैतन्य जीव आपको नहीं समझ पाता, ऐसे आप महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तो इसमें भाव यह है कि पहला जो है ईश्वर का निवास इस शरीर में हमेशा रहता है, दूसरा वह सबका शासक है फिर भी सहायता के लिए मित्र भाव से रहता है, बल्ब के प्रकाश से सब कुछ देखा जा सकता है किंतु बिजली उससे देखी नहीं जा सकती, बल्ब का प्रकाशित होना ही बिजली का प्रमाण है। उसी प्रकार ईश्वर दिखता नहीं पर जीव में चेतना होना ही उसका प्रमाण है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। तो यह जीव चेतना भी ईश्वर का अंश है, लेकिन तो फिरत सदा माया कर प्रेरा और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, लेकिन माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से यह जीव घिरा हुआ और बारंबार जन्म लेता है, मरता है, बार बार वादा करता है कि प्रभु मुझे मनुष्य योनि देना, मैं आपकी भक्ति करूंगा और अपना उद्धार पाऊंगा, लेकिन फिर भी वादा भूलता है और माया के चक्कर में पड़ जाता है। तो हे प्रभु आप सभी को भक्ति मिले, ये कथा का उद्देश्य ही यही होता है कि सबको भक्ति मिले, सबको ज्ञान हो, सबको वैराग्य आए, सब अपने जीवन को सफल बनाएं। तो आप सभी का जीवन सफल हो, हम सभी का जीवन सफल हो, हमारी संस्कृति ही कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अब समय नहीं रुकता, सीमित समय मिला हुआ है, स्वामी जी के क्षमा चाहूँगा, आपने शेखावत जी से बहुत, उनको भी मैं बारम्बार प्रणाम करता हूँ, आप सभी ने जो मुझे ये मौका दिया, मैं भी आपकी तरह एक साधारण जीव हूँ, भटका हुआ हूँ और भावना करता हूँ कि भगवान मुझे भी ज्ञान दें, शक्ति दें, भक्ति दें, इसी भाव के साथ ओम शांति शांति शांति। हेलो श्री राधे, हमारे आपके मध्य, हमारे आपके बीच कुछ लोग कहते हैं कि कथा का श्रवण करना या कथा का भागी होना आयोजक या समाजों
या अपनी इच्छा पे होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसके अंश उस कथा के लिए तय किए गए हैं, जो समय है, जो प्रारब्ध है, जो आपका भोग है, जो आपका भाग्य है, वो अमेरिका से भी यहाँ ले आएगा, और जिसका नहीं वो यहीं सो जाएंगे। तो यहाँ पर ये व्यवस्था हुई है कि हमारे मिश्रा जी का आंशिक भाव प्रबल है और प्रारब्ध में निर्धारित था कि इतने समय यहाँ पर विराजित होना है, है ना? तो वाणी ब्रह्म की अगर हम परिभाषा करते हैं तो शब्द भी ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है, कथा और सांसारिक व्यथा ये दोनों का अंत नहीं है। सांसारिक व्यथाओं का कहीं अंत है क्या? ऐसे लगता है उनको कि जैसे बढ़ाते हैं, स्वामी जी आपको प्यारा पता, आपको समझ में आता है पत्नी विमुख हो गई है, बेटा विमुख हो गया है, अर्जन उपार्जन नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा दुख है। बढ़ाते जाओ उसको, जितना बढ़ाना है बढ़ाते जाओ तो बढ़ता जाएगा, और अगर एक पल के लिए उस पर समर्पित तो हो जाओ तो आनंद। अच्छा, मूर्खता भरी बात तब होती है जब ज्ञान सबको है और अज्ञानी बनते हो। एक अज्ञान व्यक्ति अगर चर्चा करता है तो उसको क्षमा याचना की जाती है, पापा हम पाप करता, हम पाप आत्मा पाप संभवा, लेकिन ज्ञानवान होकर अज्ञानता की जब बात करते हैं तो थोड़ा अटपटा लगता है ना। हर जीवात्मा को इतना तो ज्ञान श्मशान में जाते हो जाता है कि माली आवत देख के कलियां करे पुकार और फुली फुली को ले गयो कल को वार हमार। हर आदमी को ज्ञान है, लेकिन जैसे पीठ मोड़ा राम नाम जपना पराया माल लपना, अज्ञानता में, क्योंकि यह आपका प्रारब्ध है, संचित वर्तमान और प्रारब्ध। कार्यक्रम में पूर्ण रूप से अगर व्याकरण की चर्चा करें तो आप लोग गुजरात से हैं, व्याकरण की खबर कमी हुए हैं, सरल भाषा में करवो पड़े। हमने व्याकरण की दृष्टि में संस्कृत और हिंदी नहीं बातें हम समझ ना आवे। बी परसेंट लोग छे એના સંસ્કૃત અને દેવ સંસ્કૃત ભાષા આવે, અને આપણો જે છે ને એ લેંગ્વેજ પ્રોબ્લેમ વધારામાં વધારે આવે, કારણ વ્યાકરણ એ શબ્દોને શું તે ભાવાર્થ અને લક્ષ્યાર્થ, આપણ જ્યાં ભાવમાં શબ્દોને પ્રસ્તુતિકરણ કરીએ ને ઓલા ભાઈ બીજા સમજી લે, માને બોલા બહાર મત જાના ચોટ લગ જાયગી, બેટા બોલતા હૈ મુજે બુલાઈ નહીં ચાહતી તું ઇસલિયે ગલત બોલતી તું તો મેરા ભલા દેખ નહીં સકતી। श्रीमद् भागवत कथा का भाव, कल समय को देखते हुए हम भगवान कृष्ण के जन्म लीला तक पहुंचे थे, क्योंकि यहाँ पर मिश्र जी दो दो सेवाएं चलती हैं, सवेरे 9 बजे से लेकर के चिकित्सा शिविर, और आज तो थोड़ा नागा सन्यासी का दिमाग भी खराब हो गया। महत्वता ये है कि सिस्टम है, एक पेशेंट को आप ही भेजिए, एक साथ 10 को आपने खड़ा कर दिया। अब मैं किसी को स्पॉन्डिलाइसिस की दवा दे रहा हूँ, दूसरा बोल रहा है बीपी भी है, अब मैं उसको बीपी की लिख दूँ तो क्या होगा? और जब मैं स्थापित कर रहा हूँ, मेरा जो क्रोध था, एक बात याद रख लेना, मैं जो भी बातें करता हूँ खुली किताबें करता हूँ, है ना? मेरी पारदर्शिता बड़ी पारदर्शी है, क्योंकि मैं आडम्बरी नहीं हूँ और ना किसी के सहारे जीता हूँ। भगवा पहना उसी दिन क्या था, ठाकुर देगा तो खाऊंगा नहीं, भूखा सो जाऊंगा, तेरा होके निकला हूँ संसार में चला जाऊंगा, लेकिन तुझे छोड़ के कहीं और सर नहीं झुकाऊंगा। एक बार हमने कह दिया कि भैया 50 पेशेंट हो गए, रजिस्ट्रेशन ब्रेक कर दो, इसके बाद 100 और कर दिए, उसके बाद भी कह रहा हूं ब्रेक कर दो, अब मैं क्या करूं? तो समय तो रहेगा नहीं पंडित जी, तो आधो राम तपो बना दिगम हत्वामृत कांचनम में आना ही पड़ेगा।
तो एडिक्रेट्स मैनरशिप इज मोस्ट और सक्सेसफुली लाइफ सोशल एक्टिविटीज पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस वर्किंग पीरियड. एक मैनर है किसी चीज के लिए ना. फैमिली में ब्रांडिंग नहीं होना चाहिए, पनिश होना चाहिए. एक आदमी ने गलती कर दी तो अब हम बार बार उसे रिमाइंड नहीं करें, तूने गलत किया, तूने गलत किया, तूने गलत किया, तो और निगेटिव हो जाएगा. तो कथा का श्रवण अगर आपको करना है, मेरा ये मानना है, मैं अब तक बहुत कुछ कथाएं कर चुका हूँ, संपर्क में पहली बार आए हैं मेहसाना वाले, और आगे जहाँ एक बार जैसे गाय का गोबर गिरता है ना तो मिट्टी लेके उठता है, ऐसा कुछ होगा. क्योंकि एक ब्राह्मणी का रक्त बड़ा विचित्र होता है महाराज, जब दिमाग लगाए तो चाणक्य बनता है, और गरीब बने तो सुदामा बनता है, और जब क्रोध आए तो परशुराम बनता है. बात ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ ब्राह्मणी का रक्त है ना, और वो भी जन्म कहीं और, पालन कहीं और, पोषण कहीं और. तो 122 देशों का पानी है इसके अंदर, इसलिए बहुत कुछ भान है. हमारे कोई भी कार्य को जब हम करते हैं ना, अगर हमने आपका आपको पता है सीखा सब हमने कथा करी है ना, तो यहाँ से पहले मिट्टी महाराष्ट्र आई है. पूछ लेना राजे जी को, कहीं भी नहीं बैठते क्या, वो जगह हमारे बैठने लायक है क्या? पहले यहाँ से मिट्टी आई है, तब फाइनल किया है कि कल से टेंट लगवाना. क्योंकि मिश्रा जी आपको बताएंगे कि 6 इंच जमीन आदमी को राजा बना देता है और 6 इंच भिखारी बना देता है. और यही ऐसी कृति थी कि कर्ण को श्मशान में लगाने के लिए 6 इंच कंवारी जमीन मांगी गई थी, और अंत तो गत्वा भगवान को यूं कर देना पड़ा, एक सुई के नख इतनी जगह पड़ी थी. तो ईश्वरी इच्छा से यहाँ पे तो अभी 80 साल और रहना है पृथ्वीलोक में. कितना 42 हो गया है, और 80 साल और रहना है भी. और एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक घड़ी की प्रक्रिया पहले से लिखी हुई है. इसीलिए मैं कभी हताश नहीं होता, इसीलिए मैं कभी उदास नहीं, क्योंकि पीपल्स लाइफ इज प्री प्लान्ड आल्सो एंड प्री प्लानर इज गॉड. हमारे जीवन को निर्धारित करने वाला परमात्मा है, तो हम चिंता क्यों करें. सारांशता हमारे मिश्रा जी की बातों को पुष्टि करते हुए चलेंगे. मिश्रा जी ने ये कहा है कि जो दृष्टा है वो दृष्टि में नहीं आता, और सदैव आपके साथ कैसे रहता है, जैसे आपके दाहिने आंख ने बाईं आंख को कभी देखा ही क्या, देखा, या बाईं आंख ने दाहिनी को देखा, देखा, लेकिन साथ में सोती, साथ में रोती, खुशी हो या गम, सबका आनंद साथ में करती. जिस तरीके से एक नेत्र दूसरे को नहीं देख सकता, ऐसे जो दृष्टा है आपकी दृष्टि में भले ही नहीं है, लेकिन आपके साथ साथ हर छिन हर घड़ी हर पल में होता है, समर्पण करके देखने की आवश्यकता है अंतः चक्षु से. वाह दृष्टि से परमात्मा नहीं दिखेगा. कुछ लोग कहते हैं मैंने गुरु बना लिया, लो मैंने माँ बना लिया. गुरु और माँ, परमात्मा, ये बनाने की चीजें नहीं है भाई, ये तो मानने की चीजें हैं. और जानने की इच्छा अगर है तो आप संसार को जानो, परमात्मा और गुरु तो सिर्फ मानने की चीजें हैं, इन्हें मानने में भलाई होती. भगवान कृष्ण के जन्म लीलाओं पे चलेंगे, क्योंकि जिस तरीके का समय अभाव है, तारतम्यता और तन्मयता, उस तरीके से कथा में संपूर्ण कथाएं तो नहीं हो सकती हैं. क्योंकि इनकी व्यवस्था क्या रहती है मिसिर जी, अभी आपको बताए 272 पेशेंट दिखवाए सुबह से भी, इधर भी, और शाम को भी कथा होने लगे तो दिखाने लगते, टाइम ज्यादा हो गया. समय बाकी ठीक है. भागवत कथा का एक सूक्ति याद कर लेना,
कि मोसो भली श्याम की बंसी जो अधरों पे विराजे, होठ नहीं है रचयिता। और आजकल के कवियों ने तुम्हारा सत्यानाश कर दिया सारा, तो उनको शब्द श्रृंखलाओं का ज्ञान नहीं है, शब्द कोश का भान नहीं है, तीतांत सीता था आम आमा हो पढ़ाई नहीं है, दंतव्य शब्द का ज्ञान नहीं, कंठव्य का ज्ञान नहीं, ओष्टक का ज्ञान नहीं, तालव्य का ज्ञान नहीं, और बैठ गए दुकान सजा के 2 लाख होगी तो कथा करेंगे, तो ऐसे दुकानदार सुनेंगे। और जिसने सब कुछ समर्पित कर दिया है, अब इसका भाव दिखा दें आपको, आपके हिसाब से समझाता हूँ। ये गीत था कोई बहुत बड़ी फिल्म का, है ना, उस समय हमारी भी भक्ति की शक्ति फिल्म बन रही थी, तो तिवारी जी उस राइटर ने गाने में क्या लिखा है, तेरी चाल है हिरनी जैसी, और लिखा है एक स्त्री के लिए, उसके श्रृंगार का वर्णन किया है ना, स्त्री ऐसी चल, हिरन कैसे चलता है और स्त्री ऐसी चलती है क्या, घर में बोलो तो खाना नहीं मिलेगा, मतलब साहित्य का कैसा अपमान हो रहा है, तेरी चाल है हिरनी जैसी बोलो, और स्त्री के श्रृंगार के लिए लिख रहा है, नारी हिरण जैसी चलती है कूद कूद के, अरे उसे गजगामिनी कहो, जीवन संगिनी कहो, धर्मांगिनी कहो, मात्र शक्ति कहो, उपमाएं बड़ी अच्छी, ऐसे ही कुछ रचयिताओं ने ऐसे लिखा था। तो ये नीचे वाला ये है नहीं, अधर है और ये लज्जा है। गोपियों ने कहा, मोसो भली श्याम की वंशी जो अधरों पे विराजे। अब यहां गोपियों से भला, गोपियों से सुंदर, गोपियों से अच्छा भला, श्याम की बंसी उसकी तो जाति बांस की है, निर्जीव माना गया है, तो यहां बंसरी यानी बांस की जाति की प्रशंसा नहीं हुई है, यहां बंसरी के गुण की प्रशंसा हुई। बंसरी के 3 गुण हैं। पहला गुण, बिना बुलाए बोलती नहीं, बंसरी बिना बुलाए बोलती, यानी हमें यह सीख लेना चाहिए कि अनावश्यक चर्चा विवाद का कारण है, वो हमें नहीं करना चाहिए। बंसरी का दूसरा गुण, वो अंदर से खोखली है, निष्कपट है, निश्चल है, उसमें कोई गांठ नहीं है, यानी अगर हम हरि भक्ति करें, कथा का श्रवण करें, तो खाली मंडप में हरि भक्त ना रहें, ज्ञान आचरण उतारें तो सार्थक होगा, निष्कपट रहे, निश्चल रहे, सम समान समन्विते भाव को देखें, ऐसा नहीं कि मेरा संबंधी है तो तू आ जा और जो गरीब आए उसको 2 घंटे बाद, इसी असत्य का परिणाम है दुर्दैव दुख। निश्चल निष्कपट हो करके जीना, दूसरा गुण बंसी का। तीसरा गुण, बंसी के सीने पे जख्म है, कितने सुराख हैं, लेकिन जब भी बोलती है मधुर बोल।